और बाहर आपको एक कोको की आवाज आ रहा होगा। जी गई तू पानी बोल दो मुझे। यहाँ पे भी मेरे को सब्सक्राइबर मिल गए, लेकिन बीच में इतना ज्यादा बारिश हुआ ना, पूरा का पूरा भीग गया, बैग भी भीग गया। ये जो लेंस है ना, इसके अंदर भी मुझे वाटर ड्रॉप दिख रहे हैं। आज मेरा घर पे लास्ट डे है, मतलब शाम तक मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। शाम नहीं, दोपहर में ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, शाम को मेरा ट्रेन है। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह अच्छे से मन लगा के सोया, क्योंकि देखो यहाँ से जाने के बाद ना तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाता है। इस पेड़ का मज़ा मुझे कहीं और नहीं मिलता, पूरा पेड़ मेरा होता है और इतने आराम से मैं यहाँ पे सोता हूँ। घर का मज़ा हमेशा अलग रहता है, सबको पता है। तो चलो ठीक है, अभी उठ जाते हैं, क्योंकि पैकिंग वगैरह मैंने कुछ किया नहीं है, पैकिंग करना है, सब कुछ करना है, और मुझे भूख भी लगने लगा है। कल रात को पार्टी किए थे, लेकिन फिर भी अभी भूख लग रहा है। और साथ में मेरे को थोड़ा सा एडिटिंग भी करना है, क्योंकि आज मैं जाऊँगा तो मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, 2-3 दिन अभी गैप हो जाएगा। तो इस वजह से मैं एडिट करके वीडियो डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा यहीं पे, और उसको स्केड्यूल पे लगा दूंगा। आजकल वीडियो के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट 2 महीने में मैंने ठीक से वीडियो नहीं बनाया, जिस वजह से अर्निंग थोड़ा सा कम हो गया है। तो इस वजह से इस महीने मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे गाइज मैं एडिटिंग कर रहा था और एडिटिंग भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये पता चला कि मैंने सारे वीडियो शूट कर लिया था, मतलब जो ब्लॉग का पूरा कंप्लीट शूट कर लिया था, सिर्फ रह गया है लास्ट सीन। जो लास्ट सीन होता है ना, वो मैंने नहीं बनाया, मतलब शूट नहीं किया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वीडियो जो है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट फील हो रहा है। तो अभी कुछ कर नहीं सकता, इस वजह से वैसे ही अपलोड करना पड़ेगा। और बाहर आपको एक कोको की आवाज़ आ रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे हैं देसी मुर्गे, तो इस वजह से मैंने लास्ट 2-3 वीडियो में ये मार्क किया है। हमेशा मैं जब मैं एडिट करता हूँ ना, तो बैकग्राउंड नॉइज में कोको का साउंड आता है, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, इस वजह से थोड़ा सा आवाज़ आता है। अभी भी आ रहा होगा, मेरे को बताए। ठीक है, अब एडिटिंग का काम हो गया है, थोड़ा सा अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद पैकिंग वगैरह शुरू करते हैं, क्योंकि पैकिंग ज़्यादा कुछ पैकिंग करने के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी पैकिंग तो करना पड़ेगा। देखो ये वो बेड है, जब मुझे डेंगू हुआ था तो मैं यहाँ पे सोता था इस रूम पे, यहाँ पे कोई आता नहीं है। तो ये मॉस्किटो नेट मेरे को चाहिए, तो इसको लेने से पहले थोड़ा सा धोना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें केमिकल डाला हुआ है, जिससे जहाँ पे भी बॉडी में लगता है ना, वो वहाँ पे रिएक्शन कर जाएगा। मैं जब पहली बार गया था ना, तो मैं मॉस्किटो नेट लेके गया था, तो किसी ने मुझे पूछा था आजकल ये कौन यूज़ करता है, तो मेरे को पता था वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, इस वजह से यूज़ करना सही रहता है। पता नहीं लास्ट टाइम मैं उसको कहाँ पे रख दिया, तो उसके वजह से मैं इस बार जो गया था ना, तो मैं मच्छर तो बहुत ज़्यादा काट रहे थे, लेकिन मॉस्किटो नेट यूज़ नहीं कर पा रहा था। फिर मच्छर तो ऐसे नॉर्मली काटते रहते, इस वजह से मैंने सोचा क्या हो जाएगा, किसको पता था डेंगू हो जाएगा। जो भी हो, इस बार इसको लेके जाना है, इसके लिए नहीं कि डेंगू हो जाएगा, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं, उससे बचने के लिए ये तो ज़रूर चाहिए। ईश्वर भी घर वाले बोल रहे हैं कि इतना जल्दी क्यों जाना है, क्योंकि अभी तो तबीयत ठीक हुआ है, और कुछ दिन रह जा, पूरा तबीयत ठीक हो जाए फिर जाएगा। वो लोग समझ नहीं पा रहे, मतलब अभी नहीं जाऊंगा ना तो मेरे को 2 दिक्कत है। एक तो प्लेसमेंट का चक्कर, जिस रूम पे रहता हूँ ना, तो उसका जो पैसा है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब उसका जो रेंट है वो ख़त्म हो चुका है। मैं दोबारा पे करूँगा तो वो बेड मेरा रहेगा, वरना वो मेरे लगेज को कहीं साइड पे करके किसी और को वहाँ पे रख देंगे, तो इस वजह से भी जाना है। देखो खाना इतना खा लिया कि पेट बिल्कुल टाइट हो गया, पता नहीं इस बार इतना ज़्यादा खाने को क्यों मन किया, क्योंकि आज का खाना काफ़ी ज़बरदस्त था, घर का खाना मतलब नेक्स्ट लेवल, आप बोल ही नहीं सकते। एनीवे दिन के 12:30 बज चुके, तो अभी थोड़ा पैकिंग कर लेता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं पैक करने के लिए, 10 मिनट या 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पैक हो जाएगा। भुवनेश्वर से मेरा टिकट है, लेकिन मैं बालेश्वर से उठने वाला हूँ, सेम ट्रेन बालेश्वर से होके जा रहा है। जब मैंने टिकट किया तो भुवनेश्वर पे कम वेटिंग लिस्ट दिखा रहा था और बालेश्वर को ज़्यादा वेटिंग लिस्ट दिखा रहा था, इस वजह से मैंने भुवनेश्वर से काट लिया था। अभी भुवनेश्वर तक थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर भुवनेश्वर से डायरेक्टली सिकंदराबाद। आज मेरे पास ज़्यादा बैग नहीं है, सिर्फ ये एक बैग लेना है, बाकी जो मुढ़ी लेने के बारे में मैं सोच रहा था उसको लेना है। और ये मेरा ड्रोन है, इसको थोड़ा सा टेस्ट करना था, लेकिन मैंने कर नहीं पाया, क्योंकि बैटरी निकल के रख लेता हूँ, ड्रोन के अंदर बैटरी पड़ा है।
सब कुछ सही तो लग रहा है, लेकिन फिर भी इसको टेस्ट करना ज़रूरी है। और क्या पता है, पिछली बार जाने से पहले मैंने एक नया बैटरी लिया था, वो भी मतलब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ड्रोन का पैसा उठ चुका है। बाकी गाइस ये कैमरा भी मुझे पैक करना है, तो इस वजह से वीडियो को ही पे पॉज करता हूँ। और छोड़ के जाने का मन नहीं करता कभी कभी, तो ठीक है चलते हैं यहाँ से। बड़ा दुकान लो, छोट छुआ का बोतल टा तू नहीं पढ़े तू स्कूल जाओ तो ना नहीं पाठ पढ़ तू ना नहीं है कहते पाठ पढ़ लू नहीं मो ऊपर पढ़ू चुना पानी जो पीऊ चु है क्या सफा रही हो सदा मो पेंट सफा रही दबू ना निजे दियो निजे गई दियो हाँ। तू पानी पक दे मु गई दियो है खाइब जा। अंदर ना मेरे को ऐसे में ठंड लग रहा है, मैं क्या करूँ। कल दिन भर बारिश में भीग गया और आज ठंड लग रहा है, पता नहीं क्या करना है। पूरे दो घंटे लेटे ऊपर से यहाँ पे गिरा दिया, छोड़ दिया, ग्रीन फ्लैग उड़ने लगा। जल्द मेट्रो से जाएंगे और यहाँ पे भी मेरे को सब्सक्राइबर मिल गए, सोचो कितना ज्यादा फेमस हो गया मैं। तो कल शाम को मैं यहाँ पे आ गया था और शाम को आके थोड़ा सा फ्रेश होके खाना खा के ऐसे सो गया ना, एकदम आज सुबह ही उठा हूँ। एग्जैक्टली क्या हुआ ना, जब मैं आया ना तो घर से आते वक्त बिल्कुल बारिश नहीं था, अच्छे से हम निकल आए, लेकिन बीच में इतना ज़्यादा बारिश हुआ ना, पूरा का पूरा भीग गया, बैग भी भीग गया, मतलब अंदर तक पानी घुस गया। ये जो लेंस है ना, इसके अंदर भी मुझे वाटर ड्रॉप दिख रहे हैं, पता नहीं इसका क्या करूँ, कैसे जाएगा मेरे को नहीं पता। बैक कवर और एक पॉलिथीन की वजह से थोड़ा सा बच गया, नहीं तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि लैपटॉप कैमरा सब कुछ था वहाँ पे, कपड़े भीग जाते तो हो सूख जाएंगे, बैग भी भीग जाएगा तो हो भी सूख जाएगा, लेकिन लैपटॉप और कैमरा अगर जाते तो पता नहीं क्या होता। और उसके बाद क्या हुआ ना, जब मैं एसी में आ गया तो मैंने कोई बेडशीट कैरी नहीं किया था, और इकोनॉमिक क्लास में क्या डिफरेंस है बताए, एक नॉर्मल एसी में जाते हो तो थर्ड एसी में मैंने बुक किया था, तो इकोनॉमिक में आपको सिर्फ बेडशीट और जो हो तकिया होता है ना पिलो, वो सब कुछ नहीं मिलता, सिर्फ 100 रुपये में अगर आप नॉर्मल एसी बुक करते हो तो उसमें आपको पिलो और बेडशीट और चाहे कंबल भी मिल जाए, बाकी सब कुछ सेम है, सीट वगैरह। थोड़ा सा मेरे को कंजेस्टेड लगा, लेकिन हाँ मेरे को लगता है वो ठीक ही है। और मैंने बेडशीट कैरी नहीं किया था, इस वजह से रात को तो पता नहीं चला, क्योंकि रात को उन्होंने टेम्परेचर शायद हाई रखा था, ज़्यादा ठंड नहीं था, लेकिन दिन भर मतलब सुबह से लेके दोपहर मैं वहाँ से उतरा, स्टेशन से 4 बजे उतरा, तो 4 बजे तक इतना ज़्यादा ठंड है ना अंदर, आप यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो रहे थे, इतना ज़्यादा ठंड है। तो चलो गाइस नए दिन का शुरुआत नए ब्लॉग से करते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करते हैं।
बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। क्योंकि मैं हैदराबाद आ चुका हूँ तो प्लेसमेंट के ऊपर, हॉस्टल के ऊपर वीडियो तो रैंडमली आने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो आप मेरे प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, जॉब्स इन हैदराबाद एंड हॉस्टल इन हैदराबाद, दोनों में आपको जॉब्स के बारे में और हॉस्टल के बारे में सब कुछ वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए गाइस आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय गाइस।